देखो भाई मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई, शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? रेट वगैरह सब ओके है, तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? व्हाट? तुम कौन हो? वाइफ हो? बालू की? कीप योर मैनर्स। ओ कीप हो तुम? अच्छा। डर्टी रास्कल, पागलों जैसी बातें करोगे तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। कौन हो तुम? बालू कहाँ है? बालू को फोन दो। बालू? अब मजा चखाती हूँ। मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ। बालू से क्या काम है तुम्हें? जानवर, बट्टू, बेवकूफ, पागल, रोकर उल्लू के? गुड इवनिंग जहांपना। वही रुक जाओ। जहांपना अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियां सुनवाते हो? जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियां आज तक कभी नहीं सुनी। जहांपना मुझे बोलने तो मेरा मूड बदलते देर नहीं लगती, किसी वक्त में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जहांपना मेरी बात तो सुनो। जहांपना मत बोलो, मेरा फोन मेरे पास है जहांपना। वैसे उसने क्या कहा? हाँ हाँ बेटी श्वेता, मैंने तुम्हारे लिए वीजा के बारे में बात कर ली है। काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने। बड़ा आया। वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का। बस कोई लड़की ने प्यार से दो लफ्ज बोले पिघल गया। ए, कौन हो तुम? श्वेता कहाँ है? हाँ होगी वो कहीं पर, तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर। तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर जाकर देखा है कितने मेहनती स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर भूखो पेट घंटों वेट करते हैं? वहाँ पर लड़की के बोलने पर फौरन इंटरेस्ट ले लिया। मुझे तो तेरी नियत पर शक हो रहा है। जी खड़ोस कहीं का। ए, ऐसे क्यों बोलते हो? इज्जत से बात करो। तुझको मैं इज्जत दूं बे? चिंपांजी, जुमांजी, वीजा दलाल, गंदी नाली के कीड़े, उल्लू की दूं, पागल कुत्ते। मे आई कम इन सर? सर क्या मेरा वीजा रेडी हो गया? आपने फोन क्यों नहीं किया? इस जन्म में ही नहीं बेटी, किसी जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी, मैं देखूंगा। गेट आउट। क्या बेबी मजा आया ना? वीजा कभी नहीं मिलेगा उस खड़ूस ने कहा। हमसे पंगे लेते हो, इतना घमंड है तुझे? मैं कहता हूँ मेरा फोन वापस कर दे, वरना जिंदगी में और बहुत डांट और फटकार खानी पड़ेगी। बालू 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 बालू। ठीक है मेरा फोन ला। कहाँ है मेरा फोन? कहाँ है? अरे घूरते क्या हो, यही तुम्हारा फोन है। मेरा फोन भी इसी तरह बर्बाद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे 100 फोन खरीद सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, जीवन में किसी चीज को खराब करना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसे खराब करने का आपको हक नहीं। समझ लीजिए, ये आपका सेल फोन। गुड बाय। ओए, क्यों मेरे बारे में सोचते हुए सेलफोन से कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हो? नहीं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ। भैया। अरे यहाँ क्यों बैठो? मम्मी शाम से ही मंदिर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने माँ से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर क्यों गई?
शंकर राम जी, शंकर राम जी, शंकर राम जी, शंकर राम जी, शंकर राम जी। शांति शांति। अरे ये क्या सब लोग अचानक यहाँ? पुरखों से आपकी जमीन पर हम काम करते आए हैं साहब। तब आपके दादाओं ने महाकाली की जमीन हमें दान में दी थी, आपकी मेहरबानी से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। जानता हूँ, ये सब क्यों बोल रहे हो? उसके कागजात नहीं है और ये बात किसी तरह ठाकुर बाबा को पता चल गई और वो उस जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तो अन्याय है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वैसे पुलिस कानून कुछ है कि नहीं है? पर कोई फायदा नहीं साहब, यहाँ उसकी बहुत पहुँच है। उस जगह के मालिक आप हैं, इसलिए आप अगर हमारा साथ देंगे तो ही हमें न्याय मिलेगा। भाइयों चिंता मत करो, उस जमीन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जल्दी ही तुम सबके नाम पे रजिस्टर करवा दूंगा। हजारों साल जिए आप, भगवान आपको खुश रखे। डैडी, वो ठाकुर बाबा खतरनाक गुंडा है, आप उसके मामले में दखल मत दीजिए। उसने हमारे मामले में दखल दिया है। असल में ये सब लोग कौन है जानते हो? ये पुरखों से हमारे लिए खून पसीना बहाते आए हैं, इनका सुख दुख हमें देखना होगा। आप अभी भी उन पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी सबको खाना मिलता है, वैसे इस घर को छोड़कर बचा क्या है हमारे पास? इसका असली कारण आप ही तो हैं। चुप कर, तेरी कमाई से हम लोग जी रहे हैं तभी तुझमें इतनी हिम्मत आ गई जो ऐसा बोल रहा है तू। ये बात नहीं माँ, उस ठाकुर बाबा से लफड़ा मोड़ ना ले तभी ऐसा बोला। जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी? कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए, उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया, आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए। वकील साहब, ये रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होगा, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे ओ वकील। हा? आज तक महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स खो गए सोच के बड़ा परेशान था मैं, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है इस बात का पता चला तो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर। कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो, मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ। तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। महाकाली मार्केट, वहां पर काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ये मैंने वादा किया था। तो फिर एक काम करता हूँ मैं, तुमको पैसा भी नहीं दूंगा और डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत भी लूंगा। अच्छा, मुझे धमकी देते हो? तुम जितना भी सर मार लो लेकिन ये महाकाली मार्केट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर एक काम करो, तुम महाकाली मार्केट, तुम्हारा घर वगैरह सब कुछ मेरे नाम कर दो। चुप रहो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। ओ, वो क्यों तड़प रहा है तुम जानते हो? उसे दर्द हो रहा है, उस दर्द से ज्यादा जब वो मरेगा तो तुझे कितना दर्द होगा सोच लो। क्या तुम सह पाओगे? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए। राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं, तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। माँ, मैं हूँ। नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट माइल्ड अटैक। इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? नो डॉक्टर। कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर। हाँ हेलो श्वेता, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? 21 को लिली का बर्थडे है, आपको जरूर आना होगा। हाँ बेटी, जरूर आऊंगा। अंकल, आपसे जो भी बात करके गए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन्हें नहीं है बेटी, उनकी माँ को है, माइल्ड हार्ट अटैक है। ए बालू, तू पकड़ा गया है रे, तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है, कानिया बुला रहा है तुझे, चलो चल बे। ए, तुम सब लोग जाओ। Hey, तुम लोग जाओ, चलो बाहर चलो।
क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने को किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही कुछ खास नहीं साहब, महाकाली मार्केट बिकाऊ है। मुझे पता चला ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा? मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो।